भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज दोबारा पश्चिम बंगाल पहुंची। कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है मालदा जिला, 1 फरवरी को मुर्शिदाबाद में एंट्री। ईडी की टीम झारखंड सीएम के घर पहुंची, हेमंत सोरेन से पूछताछ जारी। 20 जनवरी को भी जमीन घोटाले में किए थे सवाल जवाब। संसद का बजट सत्र, नई संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला संबोधन। कहा राम मंदिर की आकांक्षा सदियों से थी जो इस साल पूरी हुई। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार ने उठाया बड़ा कदम, 50 आईएएस अधिकारियों का किया तबादला। ईडी और सीबीआई की बढ़ती सक्रियता पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा चुनाव आयोग, ईडी, आईटी, सीबीआई सभी स्वतंत्र एजेंसियों ने अपने घुटने टेक दिए हैं और बीजेपी के दरबारी बनकर रह गए हैं। चीनी सैनिकों से भिड़े लद्दाख के चरवाहे, चीनी सेना भेड़ चराने से रोक रही थी, चरवाहे डटे रहे। कहा ये भारतीय जमीन, 2020 में हुए गलवान विवाद के बाद से स्थानीय चरवाहे इस इलाके में अपने मवेशियों को नहीं जाते चराने। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा मैं सोचता था नरेंद्र मोदी यू टर्न के उस्ताद हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने तो यू टर्न के उस्ताद को भी पीछे छोड़ दिया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर मचा घमासान, कांग्रेस और आपने परिणाम के खिलाफ तेज किया विरोध प्रदर्शन, धांधली का वीडियो भी किया जारी। तमिलनाडु के मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक, मद्रास हाईकोर्ट का सरकार को आदेश, मंदिर पिकनिक स्पॉट नहीं, गेट पर नो एंट्री का बोर्ड लगवाएं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा ट्रंप की तरह सत्ता से चिपकी रहेगी बीजेपी, लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे सीट। अमेरिकी वीजा पाना हुआ आसान, H-1B वीजा के डोमेस्टिक रिन्यूअल के लिए पायलट प्रोग्राम हुआ शुरू, भारतीयों को होगा सबसे ज्यादा फायदा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई की रैली में बड़ा आतंकी हमला, 3 लोगों की गई जान, 7 अस्पताल में एडमिट। इमरान को चुनाव से 8 दिन पहले दूसरी बार सजा, इमरान खान और पत्नी बुशरा बीवी को तोशाखाना मामले में हुई 14 साल जेल की सजा, आर्मी चीफ से भिड़ना पड़ा भारी। 5वीं बार प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ेंगे पुतिन, इलेक्शन कमीशन में नॉमिनेशन मंजूर, विपक्ष की तरफ से कोई नाम नहीं आया सामने, मार्च में होंगे चुनाव। पीएम मोदी के खिलाफ दिए बयान पर भारत से माफी मांगे मुइज्जू, मालदीव के विपक्षी नेता ने कहा गलत भाषा से रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए, पूर्व प्रेसिडेंट से सीखे राष्ट्रपति। अंतरिम बजट से पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 0.20% बढ़ाया। वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए GDP ग्रोथ 6.5% बताई। न्यूरालिंक ने इंसानी दिमाग में लगाई चिप, मस्क बोले पेशेंट की रिकवरी बेहतर, पैरालिसिस का मरीज चल फिर सकेगा, दृष्टिहीन देख पाएंगे। चैंपियंस ऑफ चेंज महाराष्ट्र से सम्मानित हुई शिल्पा शेट्टी, फोटो शेयर कर एक्ट्रेस ने जाहिर की खुशी। बिग बॉस 17 में नजर आने के बाद अंकिता लोखंडे के हाथ लगी बड़ी फिल्म, वीर सावरकर में रणदीप हुड्डा के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगी, मूवी 22 मार्च को होगी रिलीज। जैकलिन फर्नांडिस ने मिटाए मनी लॉन्ड्रिंग केस के सबूत, सुकेश चंद्रशेखर मामले में ईडी का दावा।